हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो की टॉपिक टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर सिस्टर ने मुझे कमेंट करके और मुझे पर्सनली डीएम करके बोला है उन लोगों को मेरी फर्स्ट पीरियड स्टोरी जाननी है। तो आज आप लोगों की डिमांड से मैं ले आई मेरी फर्स्ट पीरियड स्टोरी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी फर्स्ट पीरियड आई थी क्लास सेवेंथ में, और मेरी फर्स्ट पीरियड में ही भगवान जी की ब्लेसिंग्स मिल गई थी। पता है कैसे? जिस दिन मुझे पीरियड्स आई थी उस दिन माँ काली की पूजा थी, और मैं शाम को माँ के साथ काली मंदिर गई माँ की पूजा के लिए। फिर जब वापस आई घर में और मैं फ्रेश होने बाथरूम गई, तब मैंने देखा मेरी अंडर गारमेंट्स में हल्का सा ब्लड का स्पॉटिंग था। तब मैंने इग्नोर किया, फिर मैं रात को सो गई। और जब सुबह उठ के मैं बाथरूम गई तब मेरी ब्लड आउट थ्रो हुआ। तब मैं उतना डरी नहीं क्योंकि मुझे पीरियड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले से पता था। मम्मी तो बताती नहीं थी, लेकिन मेरी दी को देख के और मेरे फ्रेंड्स से सुन के थोड़ा थोड़ा पीरियड्स के बारे में नॉलेज हो गया था। फिर मैंने मम्मी को आके बोला तो मम्मी खुश हो गई, और मम्मी जाके पापा को भी बोला। पापा को ऐसे बोला कि आपकी बेटी बरी हो गई। तब मुझे लगा अरे वाह, पीरियड्स आने से लड़की बरी हो जाती है क्या। फिर मेरी पीरियड्स आने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन दो तीन महीने बाद पीरियड्स आने से मुझे बहुत पेट दर्द होना शुरू हो गया था। हर महीने पीरियड्स में इतना दर्द होता था, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, दिन भर रोती रहती थी, मुझे वॉमिटिंग होती थी, मतलब मानो मैं पागल हो जाती थी। फिर मम्मी को मेरी हालत में देख के थोड़ा ख़राब लगा, तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया, और डॉक्टर ने मुझे 3 महीने का एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स दिया, जिसे लेने के बाद मुझे पीरियड्स का दर्द धीरे धीरे कम होता शुरू हो गया। फिर मैंने जैसे कि मैं डांस करती हूँ, लेकिन मैं डांस करना बंद कर देती थी जब पीरियड्स में दर्द होता था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा तुम डांस कंटिन्यू करो और एक्सरसाइज भी करो, और मैं डॉक्टर की बात से डांस करना भी शुरू कर दिया पीरियड्स के टाइम। और ऐसे ही आज की डेट में पीरियड्स का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं मतलब नॉर्मल डेज में जैसे रहती हूँ, पीरियड्स के डेट में भी वैसे ही रहती हूँ, हर काम आसानी से कर सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों की बोलती हूँ, जिसको भी पीरियड्स में दर्द होता है वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। पीरियड्स का दर्द सही है नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए पाप नहीं है। तो यही था मेरी पीरियड्स की छोटी सी स्टोरी, और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।